मम्मी जी को दादी बुला रही है। क्या करूँ, मैं भी खाना बना रही हूँ, मम्मी जी गए कि नहीं दादी के पास। परेशान हो गई मैं तो इस बुढ़िया से, पता नहीं अब क्या चाहिए इस बुढ़िया को, दिमाग खराब करके रखा है इस बुढ़िया ने। जाके देखती हूँ पता नहीं अब क्या चाहिए इस बुढ़िया को। हाय, बुढ़िया ने सारा टॉयलेट कर दिया, अब सब साफ करना पड़ेगा, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। तंग आ चुकी हूँ इस बुढ़िया से। हाय, मर गई मैं तो, परेशान हो गई मैं तो इस बुढ़िया से। मम्मी जी आपको दादी बुला रही थी, आप गए दादी के पास? हाँ गई थी, मैं तो तंग आ चुकी हूँ बहू इस बुढ़िया से। मम्मी जी खाना बन गया, अच्छा बना लिया? मम्मी जी आप कहे तो दादी के लिए थोड़ी सी खीर बना दूँ, उन्होंने कल भी खिचड़ी नहीं खाया, बेचारी रोज़ रोज़ कितनी खिचड़ी खाएंगे, लगता है उनको खिचड़ी खाने का मन नहीं है, थोड़ी सी खीर बना देती हूँ उनको भी अच्छा लगेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, एक मुट्ठी चावल डाल के खिचड़ी बना दे। तुझे नहीं पता कितनी महंगाई हो गई है, इतना साई तो खाती है बुढ़िया और सारा फेंक देती है। अब इस उम्र में उनको खिचड़ी तो खाना है और क्या खाना है, चुपचाप खिचड़ी बना दे, खा लेंगी। जा ठीक है मम्मी जी। और सुन बहू। जी मम्मी जी। बहू तुझे तो पता ही है पितृपक्ष चल रहा है, कल मेरे ससुर जी यानी कि तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, तो सुबह जल्दी उठ जाना, बहुत सारा काम है। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और सुन, कल ससुर जी की पसंद की चीज़ बनेगी। अरे वाह, कल घर में दादाजी की पसंद की चीज़ बनेगी, और खीर तो ससुर जी को बहुत पसंद थी, तो कल खीर पूरी बनेगी, दादाजी को भी खीर पसंद था। हाँ अच्छा मम्मी जी, दादी की गुजर जाने के बाद दादी का भी श्राद्ध होगा, हाँ सासू माँ की भी श्राद्ध होगी, उनकी भी पसंद की चीज़ बनेगी। हाँ उनकी भी पसंद की चीज़ बनेगी। तुम्हें पता है बहू, ये पितृपक्ष के पावन अवसर पर जब हम अपने पितर को उनकी पसंद की चीज़ बना के देंगे, उनको पिंडदान करेंगे, तो वो खुशी खुशी उस चीज़ को ग्रहण करेंगे, और जाते वक्त वो हमें ढेरों आशीष देके जाएंगे, समझी? तो मम्मी जी, दादी तो जिंदा रहने से ज़्यादा मरने के बाद फायदे में है, कम से कम उनको श्राद्ध के नाम पे खीर पूरी खाने तो मिलेगी, वरना जिंदा रहते रहते उनको ये सब कहाँ नसीब होता है। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने?